नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और ये है मेरी उत्तराखंड यात्रा का पहला भाग। उत्तराखंड की इस यात्रा में मैंने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के ट्रैक से लेकर गंगा के बहते तीव्र वेग में सफ़र किया है। उत्तराखंड के इस टूर की शुरुआत मैंने दिल्ली से की। दिल्ली से मैं हरिद्वार आया और हरिद्वार से मैं जोशीमठ पहुंचा। दिल्ली से हरिद्वार तक मैं बस से आया, जिसके लिए मैंने 900 रुपये पे किए। इसके बाद मैं हरिद्वार से जोशीमठ दूसरी बस से आया, जिसका टिकट 700 रुपये था। जोशीमठ से बद्रीनाथ धाम तक जाने के लिए मैंने शेयर टैक्सी ली। इसका किराया 150 रुपये है। शेयर टैक्सी यहाँ के टैक्सी स्टैंड से मिल जाती है। मैं यहाँ पर तीसरी बार आया हूँ। जब भी यहाँ पर आता हूँ मन आनंदित हो उठता है। यहाँ का मौसम बहुत ही ठंडा रहता है। जहाँ दिल्ली का तापमान 45 डिग्री के ऊपर था, वहीं बद्रीनाथ धाम का तापमान 5 डिग्री से नीचे। दिल्ली से हरिद्वार तक जाने में 5 से 6 घंटे लगते हैं। हरिद्वार से जोशीमठ तक जाने में 9 से 10 घंटे लगते हैं और जोशीमठ से बद्रीनाथ धाम तक जाने में 2 घंटे लगते हैं। बद्रीनाथ धाम बहुत ही सुंदर स्थान है। अगर इस जगह को स्वर्ग कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। यहाँ के ऊंचे ऊंचे और सुंदर पहाड़, उन पर फैले बादल, उन पहाड़ों से बहते हुए झरने और नीचे तेज वेग से बहती हुई अलकनंदा नदी एक अद्भुत ही वातावरण का निर्माण कर देते हैं। और इन्हीं के बीच में है भगवान बद्रीनाथ जी का मंदिर। जैसे हरिद्वार भगवान विष्णु के दर्शनों का द्वार माना जाता है, वैसे ही बद्रीनाथ भगवान विष्णु जी का निवास स्थान माना जाता है। यहाँ पर हाथ जमा देने वाला अलकनंदा नदी का बर्फीला जल भी है और हाथ जला देने वाला तप्त कुंड का गर्म जल भी है। इसीलिए श्रद्धालु अपनी क्षमताओं के अनुरूप जल में स्नान करके ही भगवान बद्रीनाथ जी के दर्शन करने जाते हैं।
बद्रीनाथ धाम में पूरे भारतवर्ष से श्रद्धालु आते हैं। उत्तराखंड यात्रा का यह पहला भाग यहीं समाप्त होता है। इस यात्रा के अगले भाग में मैं जाऊंगा जोशीमठ। तो जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय बद्री विशाल।